एम कॉमर्स इनसाइड वी लर्न अबाउट सेशन नंबर 10 0.5.9 पेमेंट इन ई कॉमर्स एज वेल एज एम कॉमर्स वी ऑलरेडी रिवाइज लिटिल बिट सम पॉइंट सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑल्सो हियर ओनली फॉर मेन पॉइंट रिकॉल इट नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक स्टीनोग्राफी एंड डिजिटल वाटरमार्क यू नो वॉटर स्टीनोग्राफी मीन्स वॉट लाइक स्क्वायर स्क्वायर आपको दिखाई देता है बट उसके इनसाइड यहाँ पे 1010 का यहाँ पे कोडिंग ऑलरेडी अवेलेबल रहता है एज वेल एज डिजिटल वाटरमार्क व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डिजिटल वाटरमार्क यू नो वेरी वेल डिजिटल वाटरमार्क मीन्स वॉट आप नेट पे से कोई भी सॉन्ग है कोई इमेज से कॉपी कर रहे हो उसमें से आप एडिट कर रहे हो बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेज के इनसाइड कुछ ना कुछ कोई लोगो या सिंबल या कंपनी के नेम्स अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट We learn about payment in e-commerce as well as m-commerce. Major first payment card ke andar credit card, second one debit card, third one smart card and fourth one charge card. Please ye point note down kar lijiyega. Important hai in YY. Otherwise MCQ inside आपको पूछा गया पेमेंट कार्ड कितने टोटल 4 है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड क्रेडिट कार्ड सेकेंड डेबिट कार्ड थर्ड स्मार्ट कार्ड एंड फोर्थ चार्ज कार्ड आप बोलोगे सर सिम कार्ड क्यों बाकी रखे भाई आधार कार्ड क्यों बाकी रखे ये भी सब कार्ड है बट इसके थ्रू हम पेमेंट नहीं कर सकते बट सबसे मेजर जो डिफरेंट है यहाँ पे पर्सन को या कोई स्टूडेंट को या कोई मेरे जो व्यूअर्स है उसको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई नहीं होता व्हाट इज डिफरेंट विद क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड क्या डिफरेंट है आप इंटरनेट का यूज करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो बट हम यहाँ पे ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे कार्ड्स अवेलेबल है एंड व्हाट इज स्मार्ट कार्ड You know very well of credit card and debit card. So what is smart card? Have you used a smart card? Okay, चले आपने कभी view किया है? आपने 110% view किया है, but आपको identify नहीं है. How to use for smart card and वो look wise कैसे दिखते हैं? उसके बारे में और भी clarify करेंगे. And fourth one charge card. जैसे charge card means what? Mobile का charger वो charge हो जाता है? No, but particular कोई आप चार्जिंग करने के लिए या मोबाइल का चार्जिंग के लिए इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है हम यहाँ पे यही क्लैरिफाई करने वाले हैं कि आपके लिए अभी मैं क्या रख रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि ये इसके लिए तो पूरा कम्प्लीटली वीडियो देखोगे और प्रॉपर नोट्स बनाओगे लेट अस स्टार्ट फॉर पहले हम क्रेडिट कार्ड से पहले जितने भी कार्ड है इसमें कॉमन डिटेल्स कौन सी होती है सबसे पहले मोस्टली अभी जितने भी न्यू कार्ड है जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं उसके अंदर एक चिप होती है चिप का कलर मोस्टली सिल्वर टाइप जैसे होता है लाइक सिम कार्ड के अंदर जैसे होता है उसके अंदर डेटा होता है उसको माइक्रो चिप भी बोल सकते हो आप राइट इसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है दैट इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे क्यों और कैसे डिटेल इंपॉर्टेंट है वो बाद में क्लैरिफाई करेंगे इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर होता है अभी उसका तो मैं फिक्स नहीं बोल सकता बट मोस्टली ऐसे 4-4 का टोटल 4 स्लॉट होता है और क्रेडिट कार्ड पूरा यहाँ पे क्लैरिफाई करना है बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ इन फ्यूचर एक्सपायर डेट क्रेडिट कार्ड नंबर राइट इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है मैग्नेट टैप मीन्स व्हाट ये आप देख रहे हो ना ये मैग्नेट की टैप्स मोस्टली कई टाइम ऐसे आप स्वैपिंग करते हो तो जो डिटेल्स है वो यहाँ पे चिप के इंसर्ट भी हो सकती है अदरवाइज मैग्नेट टैप के अंदर भी अवेलेबल है जो मैग्नेट से बना है ये भी आप एक्स्ट्रा इंटरनेट से आइडेंटिफाई करोगे जैसे मैग्नेट है वो ओनली फॉर अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता कहीं ना मैग्नेट का ऐसे भी यूज किया जाता है इसके बाद सिग्नेचर जो यूजर है
होलोग्राम, ये भी डिटेल्स है जिसमें क्राड के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, और इम्पोर्टेंट है सीवीसी कोड, मोस्टली वो 3 डिजिट में होता है। तो मैं आपको पहले भी बोला था कौन सी डिटेल्स बोला था, एक्सपायर डेट, कार्ड नंबर और थर्ड वन सीवीसी नंबर, मींस हम कोड भी बोल सकते हैं। ये कभी अपने फ्रेंड को या ग्रुप में कभी डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए। आप लोगों सर उसका रीजन क्या है, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं 3 डिटेल और अंडर राइट, ये हैकिंग के मेथड के अंदर भी आपके साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, तो ये 3 डिटेल्स जो ऑलरेडी हैकर के पास या जो फ्रॉड करने वाले पर्सन उसके पास नहीं होता, इसके लिए बैंक उसको सीक्रेट करके आपके घर पे वो साइन करते हैं एटीएम कार्ड। उसका मेन रीजन है ये डिटेल्स पर्सनली आपके पास रहेगा और आप खुद मोबाइल के इनसाइड ओके जो हैकर्स हैं उसको ये डिटेल्स आप शेयर कर देते हो। आई डोंट नो हाउ बट मैं अगेन इसके लिए इन्फॉर्म करो, प्लीज आप खुद इतना स्मार्ट बने, अपने फैमिली मेंबर आपके क्लिक्स को राइट ये सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये मैंने आपको कॉमन कार्ड की जो जनरल डिटेल्स, आप देखोगे कोई भी कार्ड्स इसके अंदर इतना पॉइंट्स मोस्टली होता है, हो सकते हैं 1 या 2 पॉइंट्स इसमें ना हो, लाइक माइक्रोचिप नहीं अवेलेबल है ओल्ड कार्ड होगा तो डोंट वरी, जब आप नया अपडेट करोगे तो ये पॉइंट्स भी नॉर्मल है। पॉइंट पेमेंट कार्ड, पेमेंट कार्ड के अंदर सबसे फर्स्ट हम लर्न करने वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में, ये एक्चुअली क्रेडिट कार्ड है क्या, तो सबसे फर्स्ट उसको यूज क्लैरिफाई करते हैं। दिस ट्रांजेक्शन 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व, कितने पार्टीज यहाँ पे अवेलेबल है, कितने पर्सन है, 4। सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे कस्टमर के बारे में क्लैरिफाई, कस्टमर विद द क्रेडिट कार्ड। एग्जाम्पल मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, क्रेडिट कार्ड का क्या हो गया, यूजर बोलो, कस्टमर बोलो। सेकंड वन मर्चेंट, मर्चेंट मींस व्हाट, जहां से आप वो शॉपिंग कर रहे हो, मींस क्रेडिट कार्ड का आप यूज करके जिसको पेमेंट करना चाहते हो, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये कस्टमर है तो ये क्या हुआ मर्चेंट, बट ये दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स आई होप सो आपको मालूम होगा। व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड, आपके अकाउंट में कितने रुपीस हैं, 0 रुपीस है, 0 रुपीस में भी आप शॉपिंग कर सकते हो, लाइक मिनी लोन नहीं समझ लो आप। थर्ड इश्यू बैंक है। फोर्थ एक्वायर बैंक, इश्यू बैंक का मीनिंग मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं, आपको जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करते हैं राइट, ये बैंक जो ऑफर कर रहे हैं उसको इश्यू बैंक किया जाता है। एक्वायर बैंक, जो भी आपकी डिटेल्स करंट प्रोसेस और डेटा देखिए, आपको जितनी भी अमाउंट की प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं मिनी लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करते हैं और उसमें चेकिंग करते हैं, आपका कभी चेक बाउंस नहीं हुआ, आपके बैंक के अंदर कितनी क्रेडिट अच्छी है राइट, मिनिमम अकाउंट के अंदर 1 लाख ऐसे ही रख देते हो, टाइम टू टाइम सब पेमेंट होता है, कभी चेक बाउंस नहीं हुआ राइट, ये सब मेजर इसके अंदर चेक करने के बाद आपकी एडवांस में इससे पहले कभी लोन है और लोन के अंदर आपने टाइम टू टाइम सब पेमेंट कर दिया विदाउट डिले, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको बैंक वाले किसकी ऑफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड की ऑफर करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर मेन जो एंटिटीज है ऑनलाइन के अंदर, वो सबसे फर्स्ट है पेमेंट गेटवे एज वेल एज प्रोसेसर। पेमेंट गेटवे का मीनिंग क्या होता है, जैसे क्लाइंट जब क्रेडिट कार्ड को यूज करता है तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे जनरेट होना चाहिए, मींस आपके इंटरनेट का यूज करके मर्चेंट अकाउंट एज वेल एज क्लाइंट एज वेल एज मैंने 2 एक्स्ट्रा बोला एक्वायर बैंक एंड इश्यू बैंक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। बाद में जो प्रोसेस होती है, जैसे मैं कार्ड स्वैप करता हूँ तो कितने अमाउंट मुझको क्रेडिट चाहिए 0 बैलेंस में, वो सब कुछ प्रोसेस करने का मेन काम इसका। अब समझ रहे हो पेमेंट गेटवे का मीनिंग क्या होता है, जॉइंट करना, और किसके लिए, पेमेंट इश्यू करने के लिए। पेमेंट गेटवे आर सर्विस प्रोवाइडर लाइक पेपल, उसका नाम तो सुना ही होगा, वो क्या करता है मर्चेंट एंड
कंज्यूमर को मींस क्लाइंट को कनेक्ट करेगा व्हिच कनेक्टेड नेटवर्क ऑल द पार्टीज इक्वल इन राइट नेटवर्क द परफॉर्म ऑथराइजेशन एंड पेमेंट सिक्योर मैनर में होना चाहिए सिक्योरिटी लाइक ऑथोराइज पर्सन है जो पर्सन क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है वही पर्सन है उसकी क्रेडिट इतने है जैसे 1 लाख की क्रेडिट है तो 1 लाख से आप 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा ओके आप पेमेंट नहीं कर सकते तो उसके इनसाइड क्या मेन इंपॉर्टेंट है द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड इंटरनेट इज डिवाइड अगेन टू पार्ट्स कि आप कितना सिक्योर है भाई ऑनलाइन पेमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट कौन सा होगा ऑथराइजेशन पर्सन है और सेटलमेंट सेटलमेंट इज व्हाट क्रेडिट कब मिलेगा आपको आपके जीरो बैलेंस में आपके पास 0 रुपीज बैलेंस है और आपको 1 लाख का शॉपिंग करना है तो 1 लाख का जो पर्सन शॉपिंग कर रहा है ऑथराइजेशन है वही पर्सन है ओके चले वो ऑथराइज पर्सन है बाद में क्या करना पड़ेगा सेटलमेंट सेटलमेंट इज व्हाट कंफर्म करना पड़ेगा ओके वो 1 लाख की 10,000 की क्रेडिट डिमांड कर रहा है तो बैंक उसके लिए एग्री है वो कैपेबल है पर्सन यस दैट प्रोसेस दैट गोस फॉर सेटलमेंट आई होप सो ये सब प्रोसेस आपको समझ में आ रही है मैं तो ट्राई कर रहा हूँ थ्योरी को प्रॉपर वे में विद गुड एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर सकूँ नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर जो मेन है ऑथोराइजेशन द फॉलोइंग स्टेप परफॉर्मेंस अभी देखो ऑथोराइज का पूरा स्टेप समझाया मैंने वर्बली आपको समझा दिया सबसे फर्स्ट स्टेप ये है मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्ट द मेथड पेमेंट गेटवे और इंटरनेट मोस्टली हम इंटरनेट का यूज करके इसे पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड इज यूज द कंज्यूमर बाय द बैंक कौन सी बैंक बोला जाता है प्लीज यहाँ पे जो मैंने फेर फॉन्ट से जो नोट डाउन किया है और आप देख रहे हो मैं पॉइंट्स रीड कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे और भी तो इश्यू बैंक की डेफिनेशन वही है जैसे मैं SBI का यूजर हूँ पर SBI बैंक मुझको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करता है तो SBI बैंक आपके लिए क्या बन जाती है इश्यू बैंक बन जाती है नेक्स्ट अब देख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी हमको वही क्लैरिफाई करना है सबसे फर्स्ट मेन एक लास्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं इंटरनेट का यूज करके आप क्या कर सकते हो मर्चेंट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो वो प्रोडक्ट को बाय करने की प्रोसेस करते हो तो उसके अंदर भी आपको क्या क्लैरिफाई करना है कस्टमर चेकआउट करेगा उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रॉपर है जो मर्चेंट प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मीन्स उसको शॉपिंग करना है तो वो क्या करेगा वो प्रोडक्ट ऑनलाइन जो भी सर्विसेज है उसके ऊपर चेक करेगा पेमेंट की प्रोसेस करेगा तो आपको पूछा जाता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो हम लोग सर इसके अंदर क्या है जैसे कार्ड के अंदर तो लिखा नहीं होता बट एक कॉमन सेंस है कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर या बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं आपको यहाँ पे एक साथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भी ये टॉपिक कंटिन्यू है तो प्लीज कंप्लीटली 2 सेक्शन रिव्यू करना और प्रॉपर नोट्स बनाना प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन द ई-कॉमर्स वेबसाइट ई-कॉमर्स के अंदर ये वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन चली जाती है नेक्स्ट द पेमेंट गेटवे पास द इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर जैसे पेमेंट गेटवे के अंदर आपने जो भी डिटेल डाल दिए प्रोसेसर के अंदर जा रहे हैं तो प्रोसेसर क्या करता है वो कांटेक्ट किसका करेगा इश्यू बैंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंने SBI का यूज किया तो SBI का कांटेक्ट करेगा और जितनी भी डिटेल थी वो क्या करेगा वेरीफाई करेगा ये वही पर्सन है ना ऑथराइज जो क्रेडिट ले रहा है जो बैंक ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है और जब कार्ड आप स्वैप करते हो सब डिटेल एंट्री करते हो तो प्रोसेसर वो सब चेक करने के लिए जाएगा Then, third point है, after the verification done है, इसमें कोई problem नहीं है, issue bank send the status of the verification of the processor, वापस वो return करता है,
यस ही ऑथोराइज पर्सन है, ये सेफ है, उसका बैंक का क्रेडिट भी गुड है, राइट। और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, पेमेंट गेटवे मींस आप इजीली पेमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सब ऑथोराइजेशन लेयर में से ये आप क्लियर करते हैं, ओके, पॉइंट क्लैरिफाई करिएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, फाइनली पेमेंट गेटवे कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग द सेटलमेंट और पेमेंट प्रोसेस द फॉलोइंग स्टेप। अभी देखो प्रोसेसिंग का प्रोसेस कैसे करेगा, सबसे फर्स्ट क्या करेगा, मर्चेंट सेंटर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट विद द ऑल द डिटेल्स टू द पेमेंट गेटवे व्हिच सेंड टू द प्रोसेसर। मर्चेंट क्या करता है, जितनी भी डिटेल्स है इसको भेजेगा, पेमेंट गेटवे को भेजेगा, स्मॉल स्लिप है, फाइनल स्लिप है, कंफर्म करना चाहता है जो मनी सेंड करने की ट्राई करो मर्चेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्लेरिफाई है, प्रोसेस सेंड टू द पेमेंट डिटेल टू द इश्यू बैंक, वापस वो रिटर्न करके इश्यू बैंक के साथ चेक करेगा कि ये पर्सन इतना डिमांड कर रहा है अमाउंट का तो हम इश्यू करें, बट वो इश्यू बैंक ने तो क्या ओनली फॉर ऑफर किया था, क्रेडिट कार्ड का ऑफर किया था, वो कंफर्म करेगा इश्यू बैंक जो पर्सन कार्ड स्वैप कर रहा है उसका यूज कर रहा है वो पर्सन ऑथोराइज है, वो डिटेल इसको सेंड करेगा एक्वायर बैंक, देन चेक इट, एक्वायर बैंक क्रेडिट द अमाउंट द मर्चेंट। एक्वायर बैंक क्या करता है, आपके पास तो जीरो रुपीज है बट आपके पास बैंक के अंदर गुड क्रेडिट है, इसके लिए इश्यू बैंक ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया है, क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड जब यूज करते हो उसमें बैलेंस होना कंपलसरी नहीं है, हम लोग सर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उसका पेमेंट करना है बट डिले करना है, इज अ टर्म एंड कंडीशन। जब आप क्रेडिट कार्ड परचेस करते हो तब बैंक वाले आपको सब डिटेल्स प्रॉपर वे में रिकॉल करवा देते हैं, इसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, मिनी लॉन ओनली फॉर आपको टाइमिंग मिलता है जैसे उसका यूज करना। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी से यूज द सेट, व्हाट इज फॉर्म ऑफ सेट, ऑर्डर है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, उसको शॉर्ट फॉर्म में सेट बोला जाता है। मोस्टली अभी जितने भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करो इसमें इतने ऑप्शंस है ही। सिक्योर सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज सिक्योर, इसके लिए तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स किसी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन को ट्रस्ट होता है, इनकेस ये नहीं होता तो हम कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है, भाई क्रेडिट कार्ड हम क्यों लें, उसका रीजन क्या है, तो को प्रॉपर रीजन होना चाहिए, गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर। अभी आप बोलोगे सर इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी, भाई बैंक में आपके पास क्रेडिट है, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बड़ा सा बिजनेस मैन हूँ और मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ प्रोडक्ट का, बट लग बाय चांस लॉकडाउन की वजह से मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, बट मेरे अंडर में जितनी भी एम्प्लॉय है उसको तो टाइम टू टाइम सैलरी देना पड़ेगा, उसके लिए मुझको टेम्पररी क्रेडिट कार्ड हेल्प कर सकता है। मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया क्रेडिट कार्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। कस्टमर कैन पे फॉर गुड एंड सर्विस बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, कस्टमर इजीली पेमेंट कर सकते हैं जीरो रुपीज के अंदर, बढ़िया है, चलो अच्छा है। कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर परचेस थ्रू द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और भी अच्छा है, कैश पेमेंट लेके जाओगे तो मेंटेन नहीं होता। अलाउ टू कस्टमर टू परचेस गुड इवन व्हेन यू डोंट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे वही समझा रहा हूँ, डू नॉट हैव द कैश, आपके पास कैश नहीं है मींस आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, जीरो रुपीज है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, आपके पास क्या अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड। प्लीज ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी इन फ्यूचर आप क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज लेना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड आपको कोई ऑफर करे तो इसके इतने एडवांटेज है, बट जितने एडवांटेज है उसके सामने उसके लिमिटेशन भी है और डिसएडवांटेज भी। तो देखिए कौन सा है, दे आर अनसुटेबल फॉर वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज पेमेंट, इन
चार्जेस। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो स्मॉल अमाउंट में 5 रुपीज 1 रुपीज का यूज कर रहे हो, आपको दे रहे हो, उसके लिए क्रेडिट कार्ड अपने कोई काम नहीं। लार्ज पेमेंट में स्मॉल, जो भी कंपनी ने जब आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया तो जिसकी लिमिट से 1 लाख से ज्यादा आप शॉपिंग नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, कस्टमर सेंड टू द ओवर स्पेंड यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड, मींस कस्टमर एक लोन है ना, उसके पास अभी कोई सेटलमेंट नहीं है, फिर भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर सकता है। आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी के अंदर कई ऐसे पर्सन होते हैं जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, प्रॉब्लम अराइज इन द केस लॉस्ट स्टोलन द क्रेडिट कार्ड, जिसे क्रेडिट कार्ड लॉस हो गया, स्टोलन चोरी हो गया, तो प्रॉब्लम मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आप इन्फॉर्म किया था। यस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सपायर डेट और एक्सेडेड कोड था, भूल गए वापस। डोंट वरी, वीडियो आगे से वापस स्टार्ट करो, ओके, भूलना मत। इसके लिए कई टाइप पॉइंट्स आपको इन्फो, प्लीज आप वीडियो देख रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ प्रॉपर नोट्स बना दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, सीक्वेंस कंटिन्यू है, उसके ब्रेक नहीं होने चाहिए। आई होप सो, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, पेमेंट कार्ड डेबिट कार्ड है, नॉट अ क्रेडिट कार्ड, टाइटल चेंज हो चुका है, फॉन्ट्स ओके, आपको लुक वाइज सेम दिख रहा है, यहां पे क्रेडिट नहीं है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का कभी यूज किया आपने? चलो डोंट वरी, मैं आपको क्लेरिफाई कर, दिख रहा है आपको डेबिट कार्ड? सर ये तो एटीएम जैसे ही दिख रहा है, और भी क्लैरिफाई करते हैं। बट डेबिट कार्ड लाइक क्रेडिटर बट वर्क बोथ आर डिफरेंट। क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, जीरो बैलेंस में भी आप शॉपिंग कर सकते हो, बट डेबिट कार्ड में कंपलसरी आपके बैंक के अंदर जितने भी अमाउंट हो गए उतना ही शॉपिंग कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा अलाउड नहीं है। Second point, it is a kind of the payment card transfer from directly from consumer bank account to merchant. हम directly करते हैं, इसमें issue bank और acquire bank की कोई requirement नहीं है। उसका reason मैंने आपको बोला है, आपके credit card में आपके bank के अंदर जितने amount है वही use आप कर सकते हो, इस merchant को payment कर सकते हो, उसमें आपको issue bank acquire bank की कोई requirement नहीं है। Third point, the amount is immediately deducted from the bank account of the customer. But if it's debit card है, तो क्या से कट होगा? जब भी आप money withdraw करोगे या use करोगे, तो आपके जो एक bank account है, उसमें से डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। I hope so, आपको थोड़ा सा clarification हो रहा है। Credit card में क्या होगा? Zero amount में भी आप shopping कर सकते हो। Debit card में क्या होगा? Compulsory अकाउंट में जितनी भी मनी हो गए नहीं यूज कर सकते हो, ओके। तो आई होप सबको समझ में, इसके लिए मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन किया विद इमेजेस। नेक्स्ट, द डेबिट कार्ड कैन कीप द कंज्यूमर परचेस अंडर द लिमिट, डू नॉट अलाउ टू एक्सटेंड। मींस मैंने आपको इन्फॉर्म तो कर दिया, इसे मैटर तो मैं कैसे इन्फॉर्म कर पाऊँ? आपके बैंक के अंदर जितनी भी मनी है वही मनी का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो, एम कॉमर्स का यूज कर सकते हो, ई कॉमर्स का यूज कर सकते हो। सेम वाइज दोनों लुक वाइज सेम दिखेगा, बट आप देखोगे बेस्ट एग्जांपल तो आपकी जितनी भी बैंक के एटीएम कार्ड है जो आपको बैंक सर्विस देता है, तो बैंक 24 आवर्स 365 डे ओपन नहीं होती, बट आपके पास डेबिट कार्ड है, मींस एटीएम कार्ड है, ATM मशीन में से मनी विड्रॉ भी कर सकते हो और इजीली आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। 24/365 एक फैसिलिटी देने के लिए आपको डेबिट कार्ड दिया है, उसका फर्स्ट या सेकंड इज तक चार्ज नहीं होता, उसके बाद चार्ज उसका अप्लाई होगा, तो प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पेमेंट कार्ड, ये पेमेंट कौन सा है? स्मार्ट, देख रहो ना, मैं कई टाइम ऐसे बोलता हूँ स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट स्टूडेंट नहीं कर सकता है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अभी आप लोग सर, हम सब नॉर्मल थोड़ी है,
साइंस की स्टूडेंट है, कॉमर्स की स्टूडेंट है, भाई डोंट वरी। बट जो स्टूडेंट प्रॉपर वे में विद गोल के साथ प्रॉपर प्लानिंग करेगा और स्मार्ट वर्क करेगा विद गुड एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट, राइट, वही स्टूडेंट सक्सेस होता है। लाइक यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करते हैं, स्मार्ट कार्ड लुक वाइज कैसे इसके जैसा दिखेगा, क्रेडिट कार्ड जैसा, और उसमें डिफरेंट क्या है, माइक्रो चिप अवेलेबल है। कौन सी चिप अवेलेबल है, वो भी एम्बेडेड होते हैं, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। एम्बेडेड का मीनिंग होता है जॉइंट करना, उसके सरफेस में जॉइंट होता है। मैंने इससे पहले वाले कार्ड के अंदर वो दिखाया था, जैसे लाइक सिम कार्ड के अंदर होता है। स्मार्ट कार्ड कंटेंट द यूजर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच लाइक अकाउंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की अवेलेबल होती है। मोस्टली अभी आप देखोगे मेडिक्लेम लोगे, क्या लोगे, मेडिक्लेम मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन लोगे, तो वो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है। कार्ड मोस्टली वो स्मार्ट कैटेगरी के कार्ड के अंदर अवेलेबल, उसका लुक दिखाता हूँ तो और भी समझ में आएगा। तो आप स्मार्ट कार्ड देख रहे हो यहाँ पे, इसके लिए ट्राई किया है, आपके रेफरेंस बुक इतना एज में नहीं होगा, इस ग्राफिकली जो वॉइस के साथ मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे चीप अवेलेबल है, यहाँ पर भी चीप अवेलेबल है, देख रहे हैं अभी क्लियर हो स्मार्ट। हम लोग इसलिए तो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड में भी आता है, वो आता है, बट वो कौन सी कैटेगरी में होता है, वे सब इन्वॉल्व हो गए। जब आप स्मार्ट कार्ड को ओपन करोगे, देखो ये एम्बेडेड है यहाँ पे, ये सर्किट है, देखो ये लो, यस, जब इसको ओपन करते हो यहाँ पर भी एक सर्किट है और उसके ऊपर ऐसे सिल्वर पावर के लिए इसके लगाया जाता है। आप देख रहे ना आपके फादर के एटीएम कार्ड का या आपका खुद के एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आप देख लोगे आई थिंक समझ में आएगा। कभी भी इसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन करोगे तो डैमेज हो जाएगा, सिंपल। तो ये है स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड के अंदर जो एडवांटेज है, इट इज कैन स्टोर 10 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन नॉर्मल कार्ड, नॉर्मल कार्ड से ज्यादा डिटेल स्टोर कर सकता है। इसके लिए तो मैंने आपको उसके यूज भी इन्फॉर्म क्यों, उसका मेन रीजन है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों इंफॉर्मेशन किसमें होता है, नॉर्मली, बट स्मार्ट कार्ड के अंदर कैसे होता है, इंक्रिप्ट फॉर्मेट। अभी आप ऐसा मत बोला सर, व्हाट इज इंक्रिप्टेड, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंक्रिप्टेड मींस व्हाट, उसके माइक्रो लेवल तक रिकॉर्ड तक उसको जैसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके रेडी कर दिया चिप के अंदर। जब आप चिप आपके अंदर मोबाइल या वो कार्ड स्वैप करोगे तब वो इंक्रिप्ट डिटेल को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, जो नॉर्मल पर्सन रीड नहीं कर सकता। स्मार्ट कार्ड आर पॉपुलर कहाँ पे, यूएस के अंदर अवेलेबल, यूरोप, जापान और एशिया के अंदर भी ऐसे कंट्री के अंदर अवेलेबल है। जरूरी है कंट्री के अंदर आपको अप्लाई किया हुआ दिखेगा, आप ऐसे बोलोगे उससे स्मार्ट है और हम ऐसे, नो, इसके लिए तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया। स्मार्ट बनने के लिए प्रॉपर वे में सब कुछ मैनेज करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद चार्ज कार्ड की बात करता हूँ, देखो सब सेम डिफरेंट चीज है, पर यहाँ पे इसके लिए आईडेट के थ्रू भी आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। चार्ज कार्ड एक अनदर फॉर्म में पेमेंट करने के लिए, उसका मेन फीचर क्या होता है, कस्टमर कैन पे थ्रू द कार्ड टू द वेंडर, एटलीस्ट स्पेसिफाई कार्ड, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो लर्न करने वाले हैं ये भी कंटिन्यू है, कौन से है, जो फोर लर्न किया वो तो ओनली फॉर कार्ड की डिटेल्स, उनके कार्ड अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, आपके पास नेट बैंकिंग है, ओके, आपके पास ईएफटी है, देन आल्सो नो प्रॉब्लम, ई वॉलेट के अंदर मनी है, लास्ट वन रुपए, वो भी कार्ड ही है, बट क्या डिफरेंट है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर लर्न करेंगे, आई होप सो। और विद इमेजेस के साथ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।